तो देखो इधर मैं जो अपने कल वीडियो देखा वो मैं सुबह से आज अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ और अभी 12:30 बज गया और अपलोड हुआ है 87%। आई डोंट नो नेट भी सही है बट आई थिंक अपलोडिंग स्पीड थोड़ा कम होगा जिसकी वजह से इतना लेट लग रहा है। और 12:30 बज गया अभी तक वीडियो गया नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि मैं डेली व्लॉग डाल पा रहा हूँ। सो मेरा जो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देखो, वो मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक कि मेरे जरिए आपके लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो मेरा मेमोरेबल ट्रिप था। मैं पहली बार अपना यहाँ से हज़ारीबाग से अपने कॉलेज गया था और वो लगभग 1000 किलोमीटर था और ये मेरा पहला लॉन्ग राइड भी होने वाला था। 3 स्टेट मैंने क्रॉस किया था उस राइड में, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सो काफ़ी मज़ा आया था और उसी पे एक वीडियो था जो कि मैं ब्लॉग उस वक्त भी किया था बट डाला नहीं था कहीं पे। सो अभी तक अगर नहीं देखे तो आई बटन में आ रहा हो वो वीडियो, इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अपना नाश्ता आ गया, सारे लोग अभी 12:30-1 बजे खाना खाते होंगे लेकिन मेरा यहाँ पे नाश्ता चल रहा है। तो अब जाके फाइनली मेरा वीडियो अपलोड हो गया, अभी 1:00 बज रहे हैं और आज बाकी दिनों में सबसे ज़्यादा लेट अपलोड आज ही गया है वीडियो। तो देखो लॉकडाउन का मज़ा कब आता है पता है, जब चिलचिलाती गर्मी हो, बहुत धूप हो और जब लगे कि हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन भाई साहब पीछे देखो क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है, बारिश हो रहा है, मतलब ऐसे में तो मन कर रहा है रो दें यार। मतलब इतना बढ़िया मौसम में भी हम लोग फंसे हुए हैं अभी। और दूसरा जो आंखों से आंसू निकालने वाली बात होती है ना, वो नीचे खड़ी है, देखो उधर 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 उधर। तो जब उसे लिया था तो कभी ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा समय तक भी गाड़ी घर पे ही रहेगी, क्या कर सकते हैं, जो है जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। और अभी कुछ दोस्तों को बुलाते हैं, पबजी खेलते हैं। तेरी नदियों में बह जावां। हाँ बोल रहे हैं, आओगे? कौन मनु को तो कॉल नहीं उठाया, करते हैं राजू आप कॉल। हाँ ठीक है, बोलेगा साला इतना देर सोता है तो कहाँ पढ़ता होगा, कहीं नहीं पढ़ता होगा। अरे भाई जो ई टाइम में जो पढ़ता है ना, कोरोना वायरस से भर का वायरस है, समझा? सुनो बैग वा खोलो, जहाँ नाइट विजन दिख रहा है ना वहाँ पे ऑन ऑफ होगा, ऑन कर देना। हाँ मैं कोई जाकर रियल में तो गाड़ी चला नहीं सकते तो पबजी में ही गाड़ी चला रहे हैं। हम तो भाई करते हैं, अरे नहीं कि कॉलेज को मिस करते हैं, हम करते हैं वहाँ का जो दोस्ती आ रही था ना। नहीं कॉलेज को तो हम भी मिस नहीं करते, हम वहाँ का लड़का लोग यानी जो दोस्ती आ रही था ना उस सब को मिस करते हैं। तुम ही सबको बात में लगवा देता है, हम सब हंसते रहता था, असला हमें तो आगे कर देता था। मैं बहुत आगे था, हम सोच नहीं, हमको कोई नहीं मरे। तो अभी शाम का समय 7:30 हुआ है और पूरा नहा वहा के फ्रेश। और दूसरा चीज कि जो कि अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो लॉकडाउन में 3 चीज मेन प्रायोरिटी पे है, सोना, पबजी खेलना और खाना। तो सोते हुए तो तब व्लॉग कर नहीं सकते तो इसलिए वो दिखला नहीं पा रहे, पबजी खेलते हुए तो दिखला दिया। और जो तीसरा चीज़ है वो है खाना, और अभी शाम का नाश्ता का टाइम है और आज का नाश्ता में है हलवा। तो ऐसा ही ज़िंदगी चल रहा है और इसके बाद अब चाय का बारी आएगा। तो बस यही है, बहुत लोग बोलोगे यार खाने वाने का मन दिख रहा है, अगर मैं भी मानता हूँ बट क्या करें दोस्तों। सो यहाँ पे मेरी बहन ने एक चीज़ सजेस्ट किया कि तुम ये फेस मास्क ट्राई करके देखो एक बार, ये है मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क है। तो वैसे भी मामा अर्थ का तो सारा कुछ नेचुरल ही होता है इस कंपनी का, तो यूज़ करते हैं। मास्क लगाने से पहले फेस वॉश करना होगा चेहरे को और उसके बाद फेस स्क्रब करना होगा, लेकिन जो मेरे पास फेस मास्क है वो है गार्नियर का और फेस स्क्रब जो है सो एम कैफीन का है, कॉफ़ी फेस स्क्रब है ये। ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम लगाने के बाद, मतलब क्रीम नहीं है फेस स्क्रब है, तो ये जो फेस स्क्रब है ना ये लगाने के बाद अब आ रही है मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क लगाने का।
और फेस मास्क लगा के कुछ ऐसा भूत जैसा दिख रहा हूँ मैं। और सो अब इसे मैं सूखने देता हूँ, सो इसे मैं अब सूखने देता हूँ, तब तक एक दो काम। सो अब ये पूरी तरह से सूख चुका है, सो इसको मैं वॉश करता हूँ एंड उसके बाद एक और क्रीम है जो कि मैं अप्लाई करूँगा तो दिखलाता हूँ। और अब लास्ट में है जो पूरा फेस मास्क उतारने के बाद, ये नाइट क्रीम। एक्चुअली में क्या है, ये मामा अर्थ का ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम। सो मामा अर्थ वाले अगर आप हो यहाँ पे तो बता रहा हूँ, पैसा भिजवा देना यार, इतना प्रमोशन फ्री में कौन करता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का सोर्स देखने को मिल गया होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली।